ये जब कोई भी राष्ट्र की परिस्थितियां अति गंभीर हो जाती हैं और शासक द्वारा जब जनता के अधिकारों को लूटा जा जाता है, उन्हीं परिस्थितियों में ये राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसंसद का गठन हो रहा है। और इस तरह से गणतांत्रिक व्यवस्था देश में नहीं चलती जिस तरह से चलाई जा रही है। और हमारे सूरतपाल लम्बू जी ने साफ कर दिया है कि भारत में तमाम क्षत्रिय राजपूत के नाम पर जितने संगठन बने हुए हैं उनका एक वैचारिक मंच बन रहा है। लेकिन ये भी है कि अगर पार्लियामेंट का गठन होगा तो देश में प्रधानमंत्री भी बनेगा, क्षत्रिय सचिवालय भी बनेगी, इसमें 1265 लोग आएंगे जुड़ेंगे। भाई उनका सांसद रहेगा, मेरा भी सांसद रहेगा, मेरा भी पार्लियामेंट रहेगा, मेरा भी प्रधानमंत्री रहेगा। अगर क्षत्रियों के साथ अन्याय जुर्म अगर ये बंद नहीं की गई और हमारे संवैधानिक अधिकारों पर ये जो अनदेखी चल रही है अगर इसको पूरा नहीं किया गया तो शासक इस देश को छोड़ के भागने के लिए तैयार है। क्षत्रिय समाज और राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसंघ उस संसद को जहां कोई न्याय नहीं मिलता है, राष्ट्रीय क्षत्रिय